वेलकम स्टूडेंट ज्योति पब्लिक स्कूल, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश में आपको एक चैप्टर समझाया था और पढ़ाया था, आज हम उसके वर्ड पावर करेंगे। पहला है एडवेंचर, मतलब रोमांच, उसकी मीनिंग है एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी और अ जर्नी, मतलब एक रोमांचक गतिविधि या एक यात्रा। एस्केप, एस्केप मीन्स पलायन, उसकी मीनिंग है टू रन अवे, मतलब भाग जाना। वंडर्ड, वंडर्ड मीन आश्चर्य, उसकी मीनिंग है वाज क्यूरियस, मतलब उत्सुक था। फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी। टाइटली क्लोज्ड हैंड, मतलब कसकर हाथ बंद करना। नॉकिंग, नॉकिंग, नॉकिंग मीन्स दस्तक। हिटिंग, हिटिंग मीन्स मारना। चेज, चेज मीन्स पीछा। रनिंग आफ्टर टू कैच, मतलब पकड़ने के बाद दौड़ना। इन अ ट्विंकली, मतलब एक चमकदार, मीनिंग है इन अ सेकेंड, मतलब क्षण भर में या पल भर में। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाई डिड द मॉन्की रन अवे फ्रॉम द जू, मतलब बंदर चिड़ियाघर से क्यों भाग गया। आंसर है द मॉन्की रन अवे फ्रॉम द जू बिकॉज ही वॉज वेरी बोर्ड इन हीज केज, मतलब बंदर चिड़ियाघर से इसलिए भाग गया था क्योंकि वह अपने पिंजरे में बहुत ऊब गया था। दूसरा है हु फॉरगॉट टू लॉक द मॉन्कीज केज, बंदर के पिंजरे में ताला लगाना कौन भूल गया। आंसर है जू कीपर फॉरगॉट टू लॉक द मॉन्की केज, मतलब जो जू कीपर था, मतलब जो चिड़ियाघर का रखवाला था, वो बंदर के पिंजरे में ताला लगाना भूल गया था। तीसरा है व्हाई डिड द मॉन्की जंप ऑफ द बस, मतलब बंदर ने बस से छलांग क्यों लगाई। तो द मॉन्की जंप ऑफ द बस बिकॉज ही डिड नॉट एनी मनी, बंदर ने बस से छलांग इसलिए लगाई क्योंकि बंदर के पास पैसे नहीं थे। तो अब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ये वर्ड पावर है और ये क्वेश्चन आंसर है, ये दोनों आप अपनी कॉपियों में कर लेना और लर्न भी कर लेना।